हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने करंट अफेयर्स के सेट वन और सेट टू को डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम लोग सेट थ्री के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि जनवरी से लेकर जुलाई तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप लोग को इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और इन्हीं से आपके क्वेश्चंस में एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग को इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है बच्चों उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया गया? तो कौन सा देश का पहला सिटी है जिन्होंने इलेक्ट्रिक सिटी को विकसित किया? तो उसका नाम है बच्चों गुजरात। क्या नाम है उसका? गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो गुजरात ने देश की पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर मूव करते हैं। हाल ही में यूएई में संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कार किया? तो वो कौन है वो भारतीय व्यक्ति? उसका नाम है बच्चों यूसुफ अली को अभी हाल ही में आबू धाबी शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देशों ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया? तो जानवरों के लिए पहला कोविड वैक्सीन तैयार किया रशिया ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? बच्चे नोमैडलैंड को दिया गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था? तो जब गणतंत्र दिवस 2021 की परेड हुई थी तो इस परेड में बांग्लादेश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी तक हम लोगों ने सिक्स क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन नंबर सेवन है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम था? ऑप्शन नंबर ए है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर सी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड द वेल बींग, ऑप्शन डी है सेफ फॉरेस्ट एंड प्रमोट एजुकेशन। तो उसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो थीम था फॉरेस्ट रीस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बींग। क्वेश्चन नंबर एट था, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माय एक्सपीरियंस विद साइलेंस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बच्चों समीर सोनी जी ने किताब लिखा है माई एक्सेलेंस विद साइलेंस। क्वेश्चन नंबर बच्चों अब नाइन्थ की ओर मूव करते हैं, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ खोला गया? तो बच्चों देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क अपने राज्य मध्य प्रदेश में खोला गया। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किया सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए? उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने हस्ताक्षर किया। 11th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो उस लेखक का नाम है बच्चों मोहन कृष्ण बोहड़ा को राजस्थानी लेखक बिहारी पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य में धसान नदी आपको याद होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश से होकर निकलती है, अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? तो धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया था, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्र सरकार द्वारा सस्ते LED बल्ब लाइट इमिटिंग डायोड बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो केंद्र सरकार के द्वारा उस योजना का नाम है ग्राम उजाला योजना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ग्राम उजाला योजना। ऑप्शन नंबर 14 है, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया? जो दिव्यांग जन होते हैं उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए सुगम्य भारत ऐप सी को लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में किसे प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो आपको पता होगा आवास शहरी मामले मंत्रालय द्वारा नगर पालिका में
इंदौर को पहला स्थान प्राप्त किया गया? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आईक्यू एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है? तो दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान 10वां है आईक्यू एयर संस्था द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उसका आयोजन ऋषिकेश में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियनशिप और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे समझा गया? जो मुक्केबाजी संघ के चैंपियनशिप है उनके अध्यक्ष है एमसी मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के किस राज्य में वैनेडियम की खोज की? तो जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार हाल ही में जो वैनेडियम के भंडार की खोज की गई वो अरुणाचल प्रदेश में की गई, उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की, तो गुजरात में की गई है नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? एयर टैक्सी सेवा का परिचालन हाल ही में अपने राज्य हरियाणा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री का पहल उद्देश्य, वैक्सीन मैत्री का जो भारत ने एक पहल लॉन्च किया था तो इसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को पोलियो के टीके देना। ऑप्शन नंबर दे है बी है पड़ोसी देशों को कोविड 19 के टीके उपलब्ध कराना। तो वैक्सीन मैत्री का यही है बच्चों पहल, पड़ोसी देशों को कोविड 19 का टीके उपलब्ध कराना। 23 है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। 24 है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो भारत का वो कौन सा देश है, फ्रांस देश के साथ भारत ने 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई है? तो वो जो तूफान है यासा, इन्होंने फिजी में अभी बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी का अध्यक्ष बनाया गया? तो सोमा मंडल जो है इसको हाल ही में सेल कंपनी का महारत्न अध्यक्ष घोषित किया गया। हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? डॉक्टर वी शांता का संबंध चिकित्सा से वाले क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर 18 है क्वेश्चन नंबर, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड 19 के टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी किस टीकों के दी है? ऑप्शन नंबर ए है कोवैक्सीन, ऑप्शन बी है कोविशील्ड, ऑप्शन नंबर सी है फाइजर, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को कोविड 19 के आपातकाल उपयोग की मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने का निर्णय लिया है? तो चालक रहित, चालक भी नहीं होंगे और लड़ाकू विमान बन जाएगा, वो देश कौन सा है? जापान है, बिना चालक के लड़ाकू विमान। 30 क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना है? तो उस देश का नाम है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस के किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? जो टीबी मुक्त उन्मूलन है इसमें हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंडो कोरियन 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। ऑप्शन नंबर 33 है क्वेश्चन नंबर, दस्तलिक 2 थल सेना का अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? तो ये तो आपको पता ही होगा, दस्तलिक 2 का जो भारत ने अभ्यास किया था उज्बेकिस्तान के साथ किया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल कर लिया? तो भारतीय तटरक्षक ने ICGS वर्ज को चेन्नई नौसेना में शामिल कर लिया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? तो उस भारतीय रेसलर का नाम है द ग्रेट खली। क्वेश्चन नंबर 36 है, नई दिल्ली में आयोजित IISF वर्ल्ड कप 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने 25 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था? चिंकी यादव ने।
क्वेश्चन नंबर 37 वेरी इंपॉर्टेंट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता था? उस टीम का नाम है तमिलनाडु ने जीता, सॉरी मुंबई ने जीता था विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब। 38 है डीआरडीओ द्वारा विकसित सिंधु नेत्र उपग्रह को आईएस इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो डीआरडीओ ने विकसित किया था एक उपग्रह सिंधु नेत्र, इसको आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश के इसको लॉन्च किया गया था। 39 है किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2023 तक भारत ने ये लक्ष्य रखा है ब्रॉड गेज मार्गों पर विद्युतीकरण का लक्ष्य। 40 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवक ग्रैंड मास्टर बन गए, महज उनकी उम्र 12 वर्ष है तो उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा, सबसे युवा खिलाड़ी बन गया शतरंज के ग्रैंड मास्टर। 41 क्वेश्चन है किस भारतीय पहलवान ने माटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीतकर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती विश्व में नंबर वन पहलवान बन गए? उसका नाम है विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर बी है। 42 क्वेश्चन है फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर बेंगलुरु में उनका आयोजन किया गया। 43 क्वेश्चन है किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबड़ा में शामिल किया गया? तो 34वीं विशेष कमांडो को पहली बार कोबड़ा में शामिल किया गया। 44 क्वेश्चन है किस मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वात्सल्य योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने की है। 45 क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्यांग यिन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया? त्यांग यिन हंग ने हांगकांग की है ये, और इन्होंने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। क्वेश्चन नंबर 46 है किस राज्य की पुलिस ने COVID-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री है तो मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो मिशन हौसला की जो शुरुआत की है उत्तराखंड सरकार ने मिशन हौसला की शुरुआत की है, तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केरल के ट्यूब मैर कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत में जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो जो बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 है इससे सम्मानित किया गया है साही एन एम को, बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है साजी एन एम को। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर विकसित किया है? श्वास नामक कंसनट्रेटर इसरो ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 49 है केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखा गया है, कितना घाटा का लक्ष्य रखा गया था 2021-22 में? 6.8%। क्वेश्चन नंबर 50 है 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण दुकानदार को समर्पित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोगों ने ये 50 क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए, जिससे कि आप लोग आंसर किसे अपने आंसर को भी मिला सकते हो। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग सेट 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।